नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जो फास्ट रिवीजन की मैंने सीरीज़ शुरू कर रखी है, इस सीरीज़ का ये 8वां वीडियो है। और फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में साइको से रिलेटेड कुल 35 वीडियोज़ इस चैनल पर अवेलेबल हैं, तो उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। यह है वुडवर्थ के अनुसार सीखना है। ये पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह है वुडवर्थ का। तो इसी में से इसका सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये आपको याद हो गया होगा। इसी में से इसके आंसर का आंसर निकल रहा है कि ऑप्शन है व्यवहार का परिवर्तन या विकास का प्रक्रम। तो नॉर्मली तो इसको सीखना यानी लर्निंग को मानते हैं हम, अधिगम को मानते हैं, व्यवहार का परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन मानते हैं। लेकिन वुडवर्थ के अनुसार विकास का प्रक्रम यानी विकास की प्रक्रिया मानते हैं सीखना को। और ये 2-3 बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। और ये नीचे वाला सीखना विकास की मैंने आपसे पूछा है, ये भी पूछा गया है 2-3 बार एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले तीनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड हैं, इनको एक साथ कर लेते हैं। 96 का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? ये है अनुच्छेद 1919 से 1922, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये 1919 से 1922 के बीच में आता है। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? यह है अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हीं से रिलेटेड है ये। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? यह है अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया है। ये स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक और जानकारी दे देता हूँ कि आर्टिकल, अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल, और इसको धारा भी बोल देते हैं। धारा, आर्टिकल, अनुच्छेद एक ही बात है, तो इसका ध्यान रखना। बहुत कम दोस्तों को इसका पता होगा, जो संविधान पॉलिटिक्स में रुचि लेते हैं उनको तो पहले से ही ज्ञान होगा, लेकिन जो नहीं लेते उनको नहीं होगा इसको। NIOS की फुल फॉर्म क्या है? शिक्षा से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। NIOS ओपन स्कूलिंग से रिलेटेड संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये है इसकी फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना कब हुई थी NIOS की? ये डेट है 3 नवंबर 1989 के दिन इसकी स्थापना हुई थी, 3 नवंबर 1989 को स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 101 का क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की का स्थापना दिवस कब होता है? इसका स्थापना दिवस किस दिन होता है? हर साल 15 दिसंबर को KVS अपना स्थापना दिवस मनाता है, और 1963 को इसकी स्थापना हुई थी, 1963 को, और 1965 में ये स्वायत्त संस्था बन गई थी। और इसने 50 साल पूरे करने पर उत्सव भी बनाया था 2003 में इसने उत्सव ये 2013 में बनाया था इन्होंने उत्सव, KVS ने 2013 में। उसके लोगों पर भी इंटरनेट कहीं पर देखोगे तो लिखा मिलेगा 1963 से 2013 गोल्डन जुबली, अपने 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती होती है ना, गोल्डन जुबली, वो उत्सव था उनका। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन। और फ्रेंड्स, KVS में टीचर्स की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसीज निकली हुई हैं, उन पर एक छोटा 2 मिनट का वीडियो अगला मैं बनाऊंगा। और अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1987 में, और ये किसका रिजल्ट था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिणाम स्वरूप ये शुरू किया गया था। और इससे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड 2-3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ये हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना है इसका लक्ष्य। और फ्रेंड्स, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किन के लिए चला गया है? ऑप्शन में दे देंगे प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्चतर विद्यालय, ऐसे ऑप्शन में दे देंगे, फिर डी ऑप्शन दे देंगे ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसका रिलेशन है ओनली प्राथमिक विद्यालय से, बाकी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ऊंची कक्षाओं से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्रावधान है, क्या प्रावधान है? 2 शिक्षक और 2 कमरे का। इसको भी ऑप्शन में इस तरह से पूछ सकता है कि एक ऑप्शन तो ये दे दिया, एक ऑप्शन ये दे दे कि 1 शिक्षक 1 कमरा,
एक शिक्षक दो कमरे इस तरह से दे दे, तो इसका ध्यान रखना, दो शिक्षक दो कमरे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय JNV का गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था, और यदि 1985-86 भी दिया रखे तो ये भी सही माना जाएगा। और UGC की स्थापना, मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन पूछ लिया था, 1956 में UGC की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र राज्य जहां जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, जहां JNV नहीं है, जवाहर नवोदय विद्यालय, यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जहां पर JNV नहीं है। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? ये आपको बताना है फ्रेंड्स। और ये जिसने कहा है ना, ये आजकल बहुत अधिक चर्चा में है ये नाम, कल तो आपको रट जाएगा, आपकी जुबान पर होगा, 7 दिन से आपकी जुबान पर है ये नाम, और ये शायद अब की बार यदि आप जवाब दे दोगे तो कभी भूल भी नहीं पाओगे, और कल तो आपको खूब याद रहेगा ये नाम। तो फ्रेंड्स इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? यह कहा है वुडवर्थ ने, आपको एक्सप्लेन करके बता ही दिया। और सबसे पहले मैसेज आया पंकज सिंह का, इन्होंने धन्यवाद किया है, तो पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और सुधांशु सैनी ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, ये यूपी से हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद हैं आकाश शर्मा सिकोआबाद से, फिर हैं किशोर कुणाल, फिर हैं हकीम सिंह, और फिर हैं राजकमल, और फिर हैं गौरव कुमार, फिर हैं अंशिका शर्मा, फिर हैं नेहा यादव, और फिर हैं नेहा यादव दिल्ली से हैं, और फिर हैं देशराज कुशवाहा, फिर हैं देशराज कुशवाहा, फिर हैं देशराज कुशवाहा, इन्होंने कमेंट करके बताया, फिर हैं सरोज रानी, इन्होंने सही जवाब दिया है। और इसके बाद हैं मिन्नू मान, फिर हैं विष्णु लगारे लेगारे, विष्णु लगारे, फिर हैं मंगेश राजपूत, फिर हैं सुधीर वर्मा, फिर हैं नरपत सिंह, और उसके बाद हैं अंकित वर्मा, फिर हैं पवन कुमार, फिर हैं ज्योति सौम्या, फिर हैं नीलू कबीर हैं, फिर हैं मोनिका शुक्ला, फिर हैं सुरेश पटेल, फिर हैं अभिषेक गौतम, और उसके बाद हैं राजेश साकेत, फिर हैं धर्मेंद्र यादव, और इसके बाद हैं सुषमा धाकेर, प्रदीप कुमार, इन्होंने वीडियो की प्रशंसा की है, प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हैं जिया तस्नीम ने सही जवाब दिया है, उसके बाद हैं वंदना सिंह, मोहित दीक्षित, निशा चौहान, पिंकी राणा, और नम्रता सिंह, और फिर हैं रेणु कुमारी, इन्होंने सही जवाब दिया है। फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत